मेरी बेटी उठा हाँ। मैं तंग आ गई हूँ नाटकों से, मेरा कमरा कहाँ है बताइए। पायल पायल इस घर में पैर घुसाओ तो सर नहीं घुसता, इतने छोटे से घर में तुम रहोगी कैसे? हम कौड़ी डाला तानी, तू दोनों जना में जे पहले कौड़ी निकाली उहे जीती, तो हो जाए डाला तहीला। एक मिनट भैया, एक बात जान लो कि अगर कौड़ी तू पहले निकाल लेला तो पूरा जीवन तुहार गुलामी भौजी करी है। अगर कहीं भौजी निकाल लेली ना तो पूरा जीवन तोहरा करे के पड़ी गुलामी। 1 2 3 कदा फिरी। आप चिंता कैला के बात नहीं क्या भैया, आप तो पूरा जीवन तोहरा इशारा पर भौजी नची है। ये तो वक्त ही बताएगा देवर जी कि कौन किसके इशारे पे नाचता है। चलो भाभी। ए पायल भैया हो गए ले घायल। प्रणाम। खुश रहो बाबूजी, जीवन में पहली बार पायल हम लोगों से दूर हुई है, घर एकदम सूना सूना लग रहा है। हम चाहते हैं कि पायल को कुछ दिनों के लिए मेरे साथ जाने दीजिए प्लीज। कौनो बात ना बबुआ, ले जा, अब तो आयल गई लगने रही। मैंने कहा था ना ठीक है ठीक है। साफ सिस्टम ही करना कालिए बका हो। भाभी चलो। लागत था कि गांव भके हटाई है खाले छाती के बाती तुर दलस। अरे भाभी रिलैक्स, आप फिकर मत कीजिए, आपके इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगी। खुशी प्रणाम। प्रणाम। खुश रहो। खुश रहिए। आओ चलो चलो। आइए आइए आइए। ये लो। अरे क्यों हंस रहे हैं नंदो जी? कुछ नहीं, वो झगड़ू कह रहा है कि भाभी बहुत सुंदर लग रही है। लीजिए दामाद जी अमरूद खाइए। जी नहीं बस बहुत हो गया ये। बस नहीं अभी तो शुरुआत है बहनोई जी। जब से आया हूँ तब से तो खा ही रहा हूँ। अरे खाएंगे नहीं नंदोई जी, तो खाते पीते घर के दामाद कैसे लगेंगे। अरे दामाद बाबू आओ बैठो। अरे तुम्हारी तो तबीयत बहुत खराब है। नहीं बाबूजी वो मामूली सी सर्दी खांसी। मामूली? अरे दवाई वाई ली कि नहीं? अरे खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है हरीश, जाओ साहब के लिए दवाई लेकर आओ। नहीं रुको बाबूजी, आप चिंता ना करें, मैंने दवाई ले ली है। अरे चिंता कैसे नहीं करूं? देखो ये जो तुम रोज रोज ना गाँव से बाइक में फैक्ट्री तक आना जाना करते हो ना, धूल धक्कड़ खाते हो, उसी का नतीजा है ये। मेरी सलाह मानो, ये रोज रोज आना जाना बंद करो। तुम चाहो तो यहीं रह सकते हो अपने घर में, और छुट्टियों में बीच बीच में अपने गांव चले जाना। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हें घर जमाई बनाना चाहता हूँ? नहीं बाबूजी, मैं आपके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, लेकिन मुझे बाबूजी से पूछना पड़ेगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर तुम्हारे बाबूजी तुम्हारा भला चाहते होंगे ना तो भी यही सलाह देंगे।